जैसे कि हम देख रहे थे कि इतिहास में हमारा जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में आकर जो राजा है, राजा का जो उपाधियां है वो बड़ी बड़ी उपाधि धारण करने लगा, है ना। और इसमें जो दिशा के आधार पर भी राज्य के नाम और राजा की उपाधियां हुआ करती थी, है ना। जो ऋग्वेदिक काल में थी कि ऋग्वेदिक काल में छोटे छोटे कबीले के रूप में थे, तो राजा वहां पर प्रमुख था, जन का प्रमुख था, यहाँ पर आके जनपद बन गए थे ना, अभी समझा हमने। तो जिस दिशा के आधार पर बात करें तो हम ऐसे बांट लेते हैं, ये हो गया आपका पूर्व, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ये चार दिशाएं हैं, चार दिशाओं में दिशा के आधार पर भी राजा उपाधि धारण करते थे। जैसे पूर्व, पूर्व का जो राज्य होता था उसको साम्राज्य कहते थे, साम्राज्य कहते थे। और साम्राज्य का जो राजा होता था, उस पूर्व दिशा के जो राजा होते थे वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे, सम्राट, सम्राट की उपाधि धारण करते थे। पश्चिम, पश्चिम के जो राज्य होते थे उनको स्वराज्य कहते थे, स्वराज्य, और ये स्वराट की उपाधि धारण करते थे, स्वराट की उपाधि धारण करते थे, है ना। उत्तर की बात करें हम तो उत्तर में के जो राज्य होते थे उनको वैराज्य बोलते थे, वैराज्य कहते थे, वैराज्य, और ये लोग विराट की उपाधि धारण करते थे, विराट की उपाधि धारण करते थे, है ना। दक्षिण में जो राज्य होते थे उनको भोज्य कहते थे, भोज्य, और ये भोज की उपाधि धारण करते थे। ये जो ब्रैकेट में है इनकी उपाधियां हैं, ठीक है। और जो मध्य हिस्से के राज्य होते थे उनको राज्य ही कहते थे और वो राजा की उपाधि करते थे। तो कुछ इस प्रकार से राजा बड़ी बड़ी उपाधि धारण करने लगा यहाँ पे, है ना। उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे चीजें जटिल होती गई, और आगे हम देखते हैं इसमें कि धीरे धीरे और भी बहुत सारे ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इस समय हमको देखने को मिलती है। जैसे हमने बात किया था कि जो चारों वेद हैं उन चारों वेदों के उपवेद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण साहित्य है ना। वैसे ही छह प्रकार के वेदांग की रचना हुई, और वेदांग का जो समय था वो 600 से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। तो छह वेदांग कौन कौन से थे, तो इसमें जो, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो कि कर्म आधारित थे उनके कार्य बटे हुए थे, ठीक है। तो शिक्षा के ऊपर तो प्रॉपर ब्राह्मणों का अधिकार था, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को द्विज कहा गया था, हम पढ़ चुके हैं अभी ना, कि दो बार जन्म लेने वाला। और जो शूद्र था उससे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। तो जो वेदांग थे, वेदांग यहाँ पर छह प्रकार के हैं, इन्हें हम वेदांग वेदों के अंग भी कह सकते हैं, ठीक है। टाइम क्या है इनका, 600 से 300 ईसा पूर्व, ठीक है। ये जो समय था वो सूत्र काल भी कहलाता है, सूत्र काल भी का समय भी था। तो कुल छह वेदांग थे। इसमें एक कल्पना की गई कि जो वेद है, वेद यानी कि एक विराट पुरुष की कल्पना की गई, और उसके जो अंग हैं उनको छह भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं, एक विराट पुरुष हम बनाते हैं, ये हमारे विराट पुरुष हैं, है ना, ठीक है। तो विराट पुरुष की बात करें तो विराट पुरुष के जो अंग हैं उन्हीं के आधार पर इनका वेदांग की रचना की गई, यानी कि वेदों को ब्राह्मणों तक ही सीमित कर देने के लिए छह मार्ग या अंग बनाए गए जिन्हें हम वेदांग कहते हैं, ठीक है। आगे हम विराट पुरुष की बात करें तो इनकी आंखों में जो होता है, आंखों से निकलता है ज्योतिष, ज्योतिष निकलता है, ज्योतिष, ठीक है। नाक में से निकलता है शिक्षा, शिक्षा, ठीक है। मुंह से निकलता है व्याकरण, ये जो नाम लिख रहा हूं ये वेदांगों के नाम है, व्याकरण, मुंह से व्याकरण। गले से, कंठ से निकलता है निरुक्त, निरुक्त। हाथों में होते हैं कल्प, कल्प, और जो इनके पैर हैं वो छंद हैं, छंद है, ठीक है। तो एक विराट पुरुष की कल्पना की गई, और विराट पुरुष के आधार पर यहां पर हम छह क्या बोलते हैं, वेदांगों की रचना की गई। आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि किसका संबंध किससे है, ठीक है। पहले आप नोट कर लीजिए, चित्र बना लीजिए,
छह हमारे क्या है, वेदांग है, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ठीक है, जो ज्योतिष होता है वो भविष्य की कामना के लिए होता है, ज्योतिष भविष्य की कामना के लिए है। शिक्षा जो होती है वो शब्द उच्चारण शुद्ध बनाने के लिए है कि हमारे जो शब्द हैं उनका उच्चारण शुद्ध हो सके। व्याकरण वाक्यों का बेहतर रचना के लिए होती है, व्याकरण वाक्यों की बेहतर रचना के लिए। निरुक्त जो होता है कंठ से निकलता है, शब्दों की उत्पत्ति के लिए होता है। कल्प यज्ञ विधान के लिए है। और छंद वाक्यों का सौंदर्य, सौंदर्य कहते हैं छंद को, क्या कहते हैं, वाक्यों का सौंदर्य कहते हैं। ठीक है, चलिए बन गया। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बात समझ में आई कि जो आर्य थे उन्होंने जो लोहे की खोज हुई, उस लोहे की खोज के बाद आर्यों का जो विस्तार है वो बढ़ गया है ना, यानी कि लोहे की खोज के कारण। ठीक है, आगे हम बात करें तो जो उत्तर वैदिक काल में सभा समितियां थी वो बनी रही। ऋग वैदिक काल में चार संस्थाएं थी राजा की सहायता के लिए। यहाँ पर सभा समिति उस समय वहां पर जो थी ऋग वैदिक काल में वो कमजोर स्थिति में थी, वहां पर विदत मुख्य थी, लेकिन यहाँ पर सबसे पुरानी थी विदत, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, अथर्ववेद में तो कहा गया है कि सभा समिति जो है वो प्रजापति की दो आंखें या दो पुत्रियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सभा और समिति मुख्य बन के रही है। ठीक है, कुछ फैक्ट दिमाग में आ रहे हैं आप उनको भी सुन लीजिए। ठीक है, अथर्ववेद में एक जगह सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है, नरिष्ठा। ठीक है, आगे हम बात करें उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो चित्रित धूसर मृदभांड होते थे, चित्रित धूसर मृद पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग होता था उत्तर वैदिक काल में। पेंटेड है ना, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले गोत्र का उल्लेख मिलता है, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जटिलता आ गई यज्ञ कार्यों में, यज्ञ कर्म कांडों में जटिलता आ गई। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करें उत्तर वैदिक काल में ही हमें षट दर्शन, छह दर्शन के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछते हैं षट दर्शन कौन कौन से थे, षट दर्शन की बात करते हैं। चार्ट भी आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला था चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन, इसके जो प्रवर्तक थे वो भी चार्वाक थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा है चार्वाक दर्शन। षट दर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, छह क्या पढ़ रहे हैं, दर्शन। प्रमुख दर्शन है ना और उनके प्रवर्तक, ऐसे करके चार्ट बना लीजिए। तो पहला है चार्वाक, इसके प्रवर्तक चार्वाक थे। दूसरा है योग, योग दर्शन। योग में अभी हम नाम सुनते हैं कि योग का संबंध पतंजलि संस्थान से, तो पतंजलि जो नाम रखा गया है वो योग के प्रवर्तक थे, उन्हीं के नाम पर है, तो इनके प्रवर्तक कौन है, पतंजलि, पतंजलि। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं कपिल, ऋषि कपिल। नेक्स्ट है न्याय दर्शन, न्याय, न्याय का संबंध है गौतम से, ऋषि गौतम से। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो आते हैं, दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ठीक, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं जैमिनी, जैमिनी, जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी है। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो है बादरायण, बादरायण। और
नेक्स्ट जो है वो है वैशेषिक, छह मेन है, एक और आपका जुड़ता है वैशेषिक, 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 और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कणाद है, कणाद, कणाद या उलूक भी कहते हैं, कणाद या उलूक, ठीक है। ये चार्ट बहुत शाम का है, बना लीजिए इसको। और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उत्तर वैदिक काल समय, उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक चार्ट बना लीजिए पहले, ठीक है। वैसे से कणाद या उलूक, ठीक है। यहां पर एक समझने की बात यह है कि जो आपके सांख्य वैशेषिक न्याय वेद न्याय हो गए और आपका उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, ठीक है, और योग हो गए, ये छह हैं, इनको आस्तिक दर्शन कहते हैं, आस्तिक दर्शन के रूप में जानते हैं छह को। कौन कौन से? आपका चार्वाक छोड़ दो, योग सांख्य न्याय पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा और वैशेषिक, ठीक है, चार्वाक को छोड़ के जो बचे हैं इनको आस्तिक दर्शन के रूप में जानते हैं, ठीक है। और नास्तिक दर्शन के रूप में हम जानते हैं बौद्ध जैन और चार्वाक, चार्वाक का एक और नाम मिलता है हमको, बृहस्पति मिलता है, यहाँ पे बृहस्पति मिलता है। तो चार्वाक और बौद्ध और जैन ये तीन जो दर्शन है ये नास्तिक दर्शन के रूप में जाने जाते हैं, नास्तिक दर्शन के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं पुराण की, तो पुराण की संख्या कितनी है तो सब जानते हैं, ठीक है। तो कुल 18 पुराण हुए जिनको हम महापुराण भी कहते हैं। पुराणों का अर्थ क्या होता है? पुराणों का अर्थ होता है प्राचीन ज्ञान। क्या अर्थ होता है? प्राचीन ज्ञान, यानी कि पुरा मतलब प्राचीन और यण मतलब ज्ञान या व्याख्या, ठीक है। तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ आप हिंट डालिए, पुराण इनको महापुराण भी कहते हैं। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन ज्ञान, और पुराणों की जो संकलन करता है वो है ऋषि लोमहर्ष। प्राचीन ज्ञान इसका अर्थ होता है, और संकलन करता कौन है? कुल कितने हैं? 18 हैं। संकलन करता जो है इनके वो है लोमहर्ष। लोमहर्ष ने पुराणों का संकलन किया, ठीक है। पुराणों में हमको राजवंशों की सूची मिलती है, जो प्राचीन राजवंश हैं उनकी सूची मिलती है। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण, और इनका जो आधुनिक रूप है, सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण। इनका जो आधुनिक रूप है वो हमें गुप्त काल मिलता है, जो हम गुप्त काल मानेंगे तो वहां इनका आधुनिक रूप मिलता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका अंतिम संकलन जो है वो गुप्त काल में किया गया है, अंतिम संकलन गुप्त काल में मिलता है, ठीक है। और पुराणों को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं जो 18 है। तो पहला है सात्विक पुराण, दूसरा है राजस पुराण, और तीसरा है तामस पुराण, ठीक है। तो सात्विक पुराण, राजस पुराण और तामस पुराण। जो सात्विक पुराण होता है उसका संबंध विष्णु से होता है, तीन देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पहला जो सात्विक पुराण है उसके अंतर्गत जो आते हैं, कितने हो गए आपके? 18 है ना, तो इनको तीन भागों में बांट लीजिए, छ छ करके, छ छ 12 छ 18। तो जो पहले छह पुराण है जो सात्विक पुराण है वो विष्णु संबंधित है, राजस पुराण जो है वो ब्रह्मा से संबंधित है, और तामस जो पुराण है वो शिव से संबंधित है, ठीक है। तो छ छ पुराण सारे हो गए, है ना। तो सात्विक पुराण में कौन कौन से आते हैं आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। 18 है तो सात्विक पुराण में आप लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण सात्विक डालिए, सात्विक पुराण में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण,
वराह पुराण, ये जो छह हैं ये सात्विक पुराण हैं, इनका संबंध जो है वो विष्णु से है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण। नेक्स्ट है अपना सेकेंड राजस पुराण, जिनका संबंध ब्रह्मा जी से है। तो राजस पुराण डालिए टीम, राजस पुराण, इसमें है ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण। थर्ड जो हमारा है वो शिव से संबंधित तामस पुराण है, उनके नाम लिख लीजिए, वायु पुराण, तामस डाली थी तामस पुराण में, वायु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और कुर्म पुराण। वायु, लिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य और कुर्म पुराण, तो कुल ये 18 हमारे क्या है, पुराण है, 18 पुराण है, जिनका संबंध, जिनको हम तीन भागों में बांटते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक का संबंध किससे है, सात्विक का संबंध हमारा विष्णु से है, ठीक है, राजस का संबंध हमारा ब्रह्मा जी से है और तामस का संबंध हमारा किन से है, शिव से है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो समय आता है वो आता है महाकाव्य का। महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से महाकाव्य हैं, महाकाव्य दो महाकाव्य हैं, ठीक है, सब जानते होंगे, एक है रामायण, दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत, तो रामायण की बात करें तो रामायण में प्रारंभ में 600 श्लोक थे, बढ़कर 1200 हुए और आज 24,000 श्लोक हैं। कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि हैं, ऋषि वाल्मीकि हैं। 7 खंडों में बंटा है रामायण, ठीक है, इसे आदिकाव्य भी कहते हैं, नोट कर लीजिए। वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं, लेखक वाल्मीकि हैं और रामायण को 7 खंडों में बांटा गया है, इसे आदिकाव्य भी कहा जाता है, आदिकाव्य भी कहते हैं। महाभारत की बात करें, आगे बढ़े, महाभारत की बात करते हैं, तो महाभारत में 8,800 श्लोक प्रारंभ में थे, 8,800 श्लोक प्रारंभ में थे, तब इसका नाम था भरत कहते थे, महाभारत को भरत नाम दिया गया था। फिर 24,000 श्लोक हुए तो उसका नाम जय संहिता बन गया। वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक है, इसे महाभारत कहते हैं, ठीक है। आगे हम इतिहास में बात करेंगे कि जिन जिन पुस्तकों में 1,00,000 श्लोक होते हैं, ठीक है, या 1,00,000 पद होते हैं, उनकी तुलना हम महाभारत से करते हैं, दक्षिण का महाभारत, तमिल का महाभारत, ना उत्तर का महाभारत, ठीक है। तो ये महाभारतों की जो तुलना है महाभारत से करते हैं कि उसमें 1,00,000 श्लोक है, ठीक है। इन दोनों महाकाव्यों का जो अंतिम संकलन था वो भी गुप्त काल में किया गया, ठीक है। और महाभारत में भी भारत का जो नाम है, महाभारत में जो हमारा भारत है उसका नाम जम्बू द्वीप मिलता है, जम्बू द्वीप, ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है पहले भी, ठीक है। जम्बू द्वीप का अर्थ क्या होता है, जम्बू द्वीप का अर्थ होता है कि भारत में जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा, ठीक है। जामुन जो हम खाते हैं जामुन, उसके वृक्ष के नाम पर जम्बू द्वीप पड़ा, ठीक है। आगे एक सम्राट अशोक हुए हमारे प्रसिद्ध मौर्य काल के शासक, सम्राट अशोक, उन्होंने भी अपने अभिलेखों में कुछ स्थानों पर देश का नाम जम्बूद्वीप बताया है, जम्बूद्वीप से उसको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग धर्मसूत्र की बात करते हैं, धर्मसूत्र की बात करते हैं, तो 500-200 ईसा पूर्व का समय था इनका, ठीक है, धर्मसूत्र में, और इसमें भी भिन्न भिन्न जो वर्ण थे उनके, जो 4 वर्ण हैं उनके अधिकार, उनके कर्तव्यों को बताया गया है, और इसी में ही संस्कारों का भी वर्णन किया गया है। तो धर्मसूत्र में हमें 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है स्पष्ट रूप से, संस्कार डाल दीजिए हेडिंग पे, अच्छा लिखना है आपको तो लिख दीजिए, गद्य में है, इनका समय 500-200 ईसा पूर्व है, इसमें वर्णों के जो विभिन्न वर्ण है उनके अधिकार और कर्तव्यों को बताया गया है, विभिन्न वर्णों के अधिकार और कर्तव्यों को बताया गया है, बताया गया है, इसी में 16 संस्कारों का उल्लेख है,
ठीक है, तो इनके भी मैं आपको नाम लिखवा देता हूं। ठीक है, संस्कार की बात कर लेते हैं यहीं पे। संस्कार 16 है, 16 संस्कार हिंदू धर्म में रीति रिवाजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से पहले जब वो गर्भ धारण करता है, तब से लेकर उसकी अंतिम अवस्था यानी कि अंतिम संस्कार तक के उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को डिवाइड करने के लिए संस्कारों का हमने क्या किया है, हमारे वेदों में, हमारे धर्म सूत्रों में इनका वर्णन मिलता है। तो संस्कार 16 में से हम बात करें तो 8 संस्कार जो होते हैं वो गर्भधान संस्कार कहलाते हैं। 8 संस्कार, और 8 संस्कार क्या कहलाते हैं, गर्भधान संस्कार कहलाते हैं, और जो बचे हुए 8 हैं वो अनुव्रत संस्कार कहलाते हैं। ठीक है, अनुव्रत संस्कार कहलाते हैं। तो गर्भधान संस्कार के अंतर्गत क्या क्या आता है? ठीक है, तो गर्भधान संस्कार 8 हम करेंगे, गर्भधान संस्कार क्या कहेंगे, गर्भाधान संस्कार। ठीक है, और बचे हुए 8 क्या है, अनुव्रत संस्कार, अनुव्रत संस्कार, अनुव्रत संस्कार। गर्भाधान में भी 3 अंतर्गर्भ है, इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। 3 संस्कार हमारे हैं अंतर्गर्भ, अंतगर्भ 1, 2, 3 यहां करेंगे हम नाम, और 5 हमारे हैं बहिगर्भ, बहिगर्भ यानी कि ये जन्म से पहले के हैं और इस जन्म के बाद के हैं उसके। ठीक है, तो गर्भ अंतगर्भ में जो संस्कार आते हैं, ठीक है, उनके नाम लिख लीजिए। पहला है गर्भाधान, गर्भाधान, गर्भाधान लिख दूं मैं, गर्भाधान। ठीक है, नेक्स्ट है पुंसवन, पुंसवन। नेक्स्ट है सीमंत या सीमोन्नयन, सीमोन्नयन, सीमोन्नयन है ना। ये 3 संस्कार जो होते हैं वो बच्चे के जन्म गर्भ में आने के बाद के होते हैं। गर्भ में आ गया, उसके बाद गर्भाधान, पुंसवन और सीमंत या सीमोन्नयन कहलाते हैं। बहिर्गम, बहिर्गर्भ में जो संस्कार होते हैं वो है नेक्स्ट, इसमें इसमें कितने आते हैं, 5 आते हैं, है ना। जामकर्म, जामकर्म, नामकरण, नामकरण, निष्क्रमण, निष्क्रमण। ठीक है, और अन्नप्राशन, अन्न प्राशन, लास्ट में है चोकर्म या चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म। ठीक है, अनुव्रत में कौन कौन से आते हैं, अनुव्रत में आते हैं कश्वेत, कश्वेत ये षटकोण वाला आएगा, कश्वेत, उपनयन, उपनयन संस्कार, सब क्या संस्कार लिखना है, व्रतादेश, व्रतादेश संस्कार, व्रतादेश, वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार। कुछ नाम समझ में आ रहा होगा आपको, इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करिए, हम अलग से इसका एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। केशांत, ठीक है, समावर्तन, समावर्तन, 2 तो बच गए, उनको लिखने की क्या जरूरत है, लिख लीजिए। विवाह संस्कार, सभी इच्छुक होते हैं कि जल्दी जल्दी विवाह हो जाए उनका। ठीक है, कि विवाह होने के बाद में आखिरी संस्कार बचता है आपका, अंतिम संस्कार। ठीक है ना, विवाह के बाद अगर आपका विवाह होता है उसके बाद आपका आखिरी संस्कार कौन सा बचता है, अग्नि परिग्रह, अंतिम लीजिए, अग्नि परिग्रह संस्कार, अग्नि परिग्रह संस्कार, नोट कर लीजिए, कर लीजिए। उसके बाद में हम आते हैं, हो गया, स्मृतियों के समय में आते हैं। स्मृति, स्मृतियां, ठीक है,
स्मृतियां क्या होती हैं? 200 ईसा पूर्व से लेके 900 ईस्वी तक का समय है इसका, कोई पद में लिखी गई है स्मृतियां। स्मृतियां का जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे हिंदू धर्म का प्राचीन कानून कहते हैं। स्मृतियों को क्या कहते हैं? हिंदू धर्म का प्राचीन कानून है ये, हमारे हिंदू धर्म का प्राचीन कानून है। ठीक है, सबसे जो प्राचीन स्मृति है उसका नाम मिलता है हमें मनुस्मृति। सबसे पहले क्या है? प्राचीन कानून है, हिंदू धर्म का कानून है हमारा ये। सबसे जो पहली स्मृति हमको मिलती है, सबसे पुरानी जो स्मृति है उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति में ही एक सेंटेंस लिखा गया है, काफी प्रसिद्ध है वो, कि वेदी हिंसा हिंसा ना भवती। वेदी हिंसा यानी यज्ञ में अगर हम बलि चढ़ाते हैं, हिंसा करते हैं, तो वो हिंसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्या किसे मिलता है? मनु में मिलता है। ठीक है, ये इसकी रचना भी शुंग वंश में हुई है, मौर्य काल के बाद आएगा शुंग वंश, है ना, उनके प्रधानमंत्री थे मनु। ठीक है, तो मनुस्मृति है ना, इसमें इसके मनुस्मृति के कुछ टीकाकार भी हैं जिन्होंने टीका लिखा है इसके ऊपर। टीका का मतलब होता है कि फिर से उसका उद्धरण किया है, टीका लिखा है। कुछ नाम जैसे गोविंद राज, मेघातिथि, भरुचि, है ना, कुल्लू भट्ट, ये नाम हमको मिलते हैं। ठीक है, एक और स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य, इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी, और इसके भी जो टीकाकार हैं है ना, वो कौन है? विज्ञानेश्वर, जिन्होंने मिताक्षर लिखा था ना, है ना, वही विज्ञानेश्वर। ठीक है, तो स्मृतियां ही आपकी समाप्त होती हैं। ठीक है, मनुस्मृति। अब उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, नाम बोल दूंगा फिर से, मनुस्मृति के टीकाकार का। ठीक है, तो जो मनुस्मृति के टीकाकार है, जो परीक्षा में प्रश्न पूछता है, नाम लिख लीजिए चाहे तो, मेघातिथि, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक, कुल्लू भट्ट भी बोलते हैं, कुल्लुक, नारायण। इसमें जो मेघातिथि है वो महत्वपूर्ण है, पूछता है मेघातिथि। ठीक है, नारायण, बाकी बहुत सारे हैं, जरूरत नहीं है इतनी। रामानंदन, असहाय, उदयकर, भगुरी, भोजदेव, धरणीधर, आवश्यकता नहीं आपको। ठीक है, तो इतना ही महत्वपूर्ण है। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो ये इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से, जो यजुर्वेद का शुक्ल पक्ष था ना, उससे था। ठीक है, ठीक है, पराशर स्मृति मिलती है हमको, नारद स्मृति मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दर्शन। दर्शन तो आपके हो गए, ठीक है, दर्शन आपके हो चुके हैं, क्या बच गया इसमें आपका? हाँ, आपके जो 8 प्रकार के विवाह होते हैं उनका भी हमको उल्लेख मिलता है यहाँ पे, जो 8 प्रकार के, उस समय 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। ठीक है, तो विवाह डाल लीजिए, विवाह के प्रकार करके डाल लीजिए हेडिंग, विवाह 8 प्रकार के थे। इनको भी 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग, कि एक में जो पहले 4 हैं उनमें तो विवाह विच्छेद हो ही नहीं सकता है ना, संभव ही नहीं है, हो गया 7 जन्मों का स्तनाता हो गया। ठीक है, जो बचे हुए 4 विवाह है उनमें विवाह विच्छेद संभव था। ठीक है, तो नाम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ब्रह्म विवाह, पहले 4 जिनमें विवाह विच्छेद नहीं होता है ना, ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, आर्ष विवाह। ठीक है, प्रजापत्य विवाह, ये पहले 4 इनमें विच्छेद नहीं है ना, बचे हुए 4 लिखिए, असुर विवाह, असुर विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, पैशाच विवाह। इनके बारे में थोड़ा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसमें यह कहने की बात यह है कि जो धर्मशास्त्र या हमारी जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों में जो कानून है उसमें लिखा गया है कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति, जो पहले 4 विवाह हैं, इन्हीं को, यही स्वीकृत विवाह है, इन्हीं को स्वीकृति प्राप्त है। शेष जो विवाह है क्या है? अमान्य होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनमें विच्छेद हो सकते हैं, है ना। तो ब्रह्म विवाह क्या है? सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था, ब्रह्म विवाह सबसे प्रचलित विवाह था, उत्तम विवाह भी था।
देव विवाह में क्या था कि यज्ञ के संपादक जो पुरोहित है, जो यज्ञ करेगा उसका जो संपादक होगा, पुरोहित को कन्या दे दी जाती थी, ठीक है, यज्ञ संपादन के लिए पुरोहित को दान में कन्या दे दी, देव विवाह हो गया। आर्ष विवाह सबसे प्रचलित विवाह था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि आर्ष विवाह क्या था, तो इस काल में आके जो आर्ष विवाह था वो प्रचलित विवाह था। आर्ष विवाह का अर्थ होता है कि एक कन्या जो है उसका जो मूल्य है या उसको कोई वरने वाला है तो उसके लिए अगर उसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें कोई कन्या अगर पसंद आ गई तो उससे विवाह करना है, तो उसके पिता को हमको एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल जोड़े में वो देना होगा। यानी कन्या का मूल्य क्या था, एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल, उसे हम कहते थे आर्ष विवाह, ठीक है। आर्ष विवाह बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आर्ष विवाह कन्या का जो मूल्य था, कन्या का पिता वर से क्या लेता था, गाय या बैल का एक जोड़ी लेता था, ठीक है, आर्ष विवाह। प्रजापति विवाह क्या था, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था कि मैं तुमको दे दिया अपनी कन्या, ठीक है, प्रजापति हो गया ये। कन्या का पिता, जो कन्या है उसका पिता वर को क्या देगा, वचन देगा। ये जो चार विवाह है ये क्या है, ये परमानेंट रहेंगे, ठीक है। धर्मशास्त्र स्मृतियों में भी इन्हें क्या दिया गया है, इनको इजाजत दी गई है, बाकी सब अवैध, यही वैध है ना, ठीक है। पांचवा हमारा है असुर विवाह, समझिए इसको। असुर विवाह क्या है, कन्या को माता पिता से खरीद लिया जाता था धन देकर। आर्ष विवाह और इसमें अंतर यह है कि वहां पर केवल गाय और बैल की बात हो रही है, यहाँ पर खरीदने की बात हो रही है, कन्या को माता पिता से खरीद लिया जाता था। गंधर्व विवाह तो आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, जानते हैं ना, ये एक प्रेम विवाह था, इसमें माता पिता की अनुमति मिलती नहीं थी, तो शादी कर लिया भागकर, वो गंधर्व विवाह हो गया, प्रेम विवाह हो गया, बाद में मिल जाएगी, ठीक है। राक्षस विवाह क्या है, राक्षस विवाह, इस विवाह में वधु का जो कन्या है उसका अपहरण कर लिया जाता था, यानी कि अपहरण करके उससे अगर शादी की है तो ये राक्षस विवाह कहलाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि क्षत्रियों को राक्षस विवाह करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्षत्रिय है ना, बलपूर्वक अपहरण कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पैसाच विवाह का। तो पैसाच विवाह में क्या है कि किसी स्त्री का हमने अपहरण किया, उसको अपहरण करके उसका बलात्कार, रेप कर दिया, जबरदस्ती कर दिया, उसके बाद में फिर उसे शादी कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया पैसाच विवाह। सबसे जो निकृष्ट विवाह है पैसाच विवाह है, क्लियर हो गया, सुन मांगे नोट कर लीजिए। ये जो भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति शब्द का सबसे पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का पहली बार उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषदों में तीन आश्रम का उल्लेख मिलता है, चारों का नहीं मिलता है। चारों का जो उल्लेख है वो ज्वालो उपनिषद में मिलता है, मैंने आपको पहले लिखवाया भी था, ठीक है, कि ज्वालो उपनिषद में ही चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ठीक है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास, है ना। तो लेकिन अगर हम बात करें कि छांदों के उपनिषद में तो ये तीनों आश्रम का उल्लेख मिलता है, आप कंफ्यूज नहीं होइए इससे ना, छांदों के उपनिषद, ठीक है, हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। छांदों के उपनिषद में ही हमको कृष्ण का भी पहली बार उल्लेख मिलता है, ठीक है, कृष्ण का उल्लेख हमको छांदों के उपनिषद में ही पहली बार मिलता है। दोरपों मिलता है देव की नंद के रूप में, है ना, और घोर अंगीरस के शिष्य के रूप में, देव की नंद, है ना, देव के पुत्र हैं वो और घोर अंगीरस के शिष्य हैं, इनके रूप में हमको दो रूपों में उल्लेख मिलता है कृष्ण का उल्लेख, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे एक और बात याद आ रही कि वृद्ध आरण्य उपनिषद जो हमने पढ़ा था उसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच, वृद्ध आरण्य उपनिषद में, वृद्ध आरण्य उपनिषद किसका है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर सकते हैं किसका है, ठीक है, लेक्चर में आपको बताया गया है, उसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच वाद विवाद का उल्लेख है ना, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच वाद विवाद का उल्लेख मिलता है। अच्छा, पुनर्जन्म की जो अवधारणा भी हमको वृद्ध आरण्य उपनिषद में मिलती है, जन्म होता है फिर से हम जन्म लेते हैं, ठीक है, जन्म लेते हैं चलता रहती है प्रक्रिया, तो इसका उल्लेख भी हमको वृद्ध आरण्यक उपनिषद में ही मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक और आपको वर्णन की बात करते हैं, यम और नचिकेता का जो प्रकरण है, ये प्रश्न पूछा गया था आपका एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में आया है,
पीएससी में, ठीक है। यम और नचिकेता का जो प्रकरण है उसका उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है, ठीक है, कठोपनिषद में मिलता है। क्लियर, यहां तक किसी को कुछ डाउट है ना, कुछ पूछने जा रहे हैं? ठीक है, नहीं आप पुराना वाला वीडियो देखोगे ना तो उसमें उसको आपका सब मिल जाएगा आंसर सारा का सारा, ठीक है, जो भी आपके डाउट है ना, क्योंकि अभी क्लास चल रही है आपका, ठीक है, तो आप उसको देखिएगा, रिवाइज हो जाएगा, नहीं तो फिर आप ऑफिस में जाके भी बात हमसे कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे उसके बारे में, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को डाउट्स होता है ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, वो लोग हमसे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये जो वीडियो है इतिहास के, वो थोड़े डिटेल में जाना जा रहे हैं, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सेट का एग्जाम भी आ रहा है, यूजीसी नेट का एग्जाम भी आ रहा है, तो वहां तक के कुछ प्रश्नों को हम सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में मेरे आ रही है कि जो बताया भी था मैंने आपको कि जैसे कि ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो व्याख्याकार होता था उसको हम होत्रा ऋषि कहते थे, क्या कहते थे, होत्रा ऋषि, ठीक है। सामवेद का जो होता था उसको हम बोलते थे उद्गाता, उद्गाता। यजुर्वेद के को बोलते थे अंधुवर्य, अंधुवर्य। और अथर्वेद का जो व्याख्याकार होता था उसको हम ब्रह्म कहते थे, ब्रह्म कहते थे, ठीक है। अथर्वेद में ही बताया था अतिथि देवो भव का उल्लेख मिलता है, अतिथि देवो भव का उल्लेख मिलता है, ठीक है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है ना। अच्छा, ऋग्वेद में हमको घोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी विदुषी नारियों का उल्लेख मिला है, ऋग्वेदिक काल में घोषा, अपाला, लोपामुद्रा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमको जो विदुषी नारियां मिलती हैं उनका नाम है सीता, सिक्ता, सिंबिल, सीता, सिक्ता, सिंबिल, इनका उल्लेख मिलता है। अच्छा, उपनिषदों की संख्या कितनी है टोटल, 108 है, 108 उपनिषद है टोटल, कितने हैं, 108 है। और जो हमने वेदांग पढ़े थे, वेदांग में जो चार कल्प निकल के आए, कल्प हैं जो वेदांग में जो यज्ञ कार्य के होते हैं कल्प, वो कल्प की संख्या भी चार है, ये नोट कर लिए, छूट गया है, क्या है, स्रोत सूत्र, चार कल्प कौन कौन से हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, ग्रह सूत्र, ठीक है, धर्म सूत्र और सुल्ब सूत्र। सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपका है सुल्ब सूत्र, क्योंकि सुल्ब सूत्र में ही पहली बार यज्ञ वेदी निर्माण की विधि की बात कही गई है, यानी कि यज्ञ वेदी निर्माण की, जो यज्ञ वेदी कैसे बनाते हैं, चार चौकोर होती है ना, आज भी चौकोर होती है, उस समय भी चौकोर थी, तो यज्ञ वेदी निर्माण की जो विधि है उसका वर्णन हमको सुल्ब सूत्र में मिलता है, बहुत ही काम का है, परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, फिर से आपको रिपीट करेगा ये, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इतना आपका जो था वो कुल मिलाकर इतिहास में काम का है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट में, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बौद्ध धर्म का रहेगा, बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार आप पूरा देख लेंगे तो आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सारे प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो आपको उसको ध्यान से देखना है, जो हमारे वीडियोज आ रहे हैं उनको रिविजन करते रहना है, ठीक है। और अगर आपको स्टडी मटेरियल के लिए चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, कुल मिला के। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।